की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुरैना में एक दिवसीय प्रवास पर आए पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी मातृ संस्था को धोखा दिया है। मध्यप्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने लगाया आरोप। एक दिवसीय प्रवास पर मुरैना आए अरुण यादव ने कहा कि मेरी कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है, स्वयं को सबसे छोटा कार्यकर्ता बताया। प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता ने वरिष्ठ नेतागण प्रदेश में एकमात्र लक्ष्य एक बार फिर जनता का विश्वास जीत कर सरकार बनाना है। सब दिग्विजय सिंह को गोविंद सिंह का कल आपकी जो कांग्रेस से नाराजगी है वो जग जाए। अब 2023 में जो चुनाव होना है उसमें आपकी किस तरह की नहीं नाराजगी किस बात की? देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी अभी सबसे सीनियर वरिष्ठ नेता है हमारे और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको पार्टी ने दी है और हम सब कमलनाथ जी के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह जी हैं, राहुल भैया हैं, पचौरी भाई साहब हैं, भूरिया जी हैं, ये सब वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के और अब सिंगल एजेंडा है कि 2023 में मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनानी है और पूरे नेता कांग्रेस के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से इस काम में लगे हैं। एक अच्छी सरकार हमने बनाई थी, जनता का विश्वास हमको मिला था 18 में, लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो जग जाहिर है। इस तरह से लोगों ने हमारी पार्टी को धोखा दिया, एक मात संस्था को धोखा दिया और भाजपा में मिलकर एक अच्छी सरकार, एक सुधर सरकार जो हमने बनाई थी उसको नष्ट करने का काम किया है। अब एक ही मिशन है कि वापस मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास प्राप्त करना है। कमलनाथ जी का नेतृत्व हमको मिला हुआ है और हम सब ने तय किया ये कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सिंगल एजेंडा है सरकार बनानी। सिंधिया जैसा हादसा आपके साथ तो नहीं होगा? देखिए, सिंधिया ने तो अपनी मातृ संस्था को ही धोखा दिया है, उसके बारे में मैं कुछ जो मुझे कुछ कहना भी नहीं है और मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। अरुण यादव कांग्रेस का बहुत छोटा कार्यकर्ता है और जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी देगी वो मैं उसको पूरी शक्ति के साथ उसमें काम करूंगा और सरकार बनानी एक ही काम बस। क्या समझा, मनमुटाव जो कांग्रेस? कोई मनमुटाव है ही नहीं भाई, ये तो जबरदस्ती आप प्रेस वाले चलाते रहते हो। अरुण जी, कारण क्या रहे कि कमलनाथ गोविंद जी को बनाया गया है? हटाया नहीं गया, तो समिति से हुआ है सर। नहीं देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, सरकार बनाने के लिए सबको जिम्मेदारी दी गई है तो उनके पास दो पद थे, उन्होंने एक पद गोविंद सिंह जो दिया, सिंपल है, उसमें क्या हुआ है? ये तो पहले भी कर सकते थे अरुण जी, जिस समय चुनाव हुए थे। अब ये देखिए सब चीज, ये हम तो कार्यकर्ता हैं, समझे आप, ये सब चीज़ें दिल्ली से तय होती है और दिल्ली तय किया है कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी होंगे, हम सब उनके नेतृत्व में काम करेंगे, सिंपल है। नहीं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी से जो है भयभीत होकर कांग्रेस अपने नेताओं को बदलती रहती है। अरे भाई, गोविंद सिंह जी से वरिष्ठ नेता कांग्रेस में कौन, बताइए आप। नहीं, कमलनाथ जी का था जब कमलनाथ जी तो चेहरा है ही ना, हम तो तय किया कि हम उनके नेतृत्व चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जग जाहिर है, सबको पता है, पूरे मध्य प्रदेश को पता है, कार्यकर्ताओं को पता है, आप लोगों को भी पता है, ऐसा नहीं आपको नहीं पता है।